Assalamualaikum students of 7th class. I hope that you all will be alright. Let's start with the name of Allah, who is the perfect and giver of peace. In our last lecture, we have been discussed the Mughal Emperor, Ascendancy of the British, chapter number 5, reading book page number 116 and 17. Today, we will discuss our book page number 117. Now students, open your book page number 117. Today we will discuss Battle of Buxar. After the Battle of Plassey ki jang ke baad, Mr. Jaffer's treasury was badly affected by giving undue privileges to British. Mr. Jaffer ka jo khazana tha wo bahut buri tarah mutasir hua tha kyunki usne angrezon ki kafi zyada madad ki thi. Demands of British अंग्रेज़ों की जो तवक्कुआत थी वो इंक्रीजिंग विच ही कुड नॉट फुलफिल बढ़ती ही जा रही थी जिसे वो पूरा नहीं कर सकता था. एज अ रिजल्ट नतीजा ये हुआ रिलेशंस बिटवीन ब्रिटिश एंड मिस्टर जाफर वर स्ट्रेंड. मिस्टर जाफर और अंग्रेज़ों के दरमियान जो तल्लुकात थे वो ख़राब हो गए. एट लास्ट आखिरकार ब्रिटिश डिपोज्ड हिम एंड अपॉइंटेड हिज सन इन लॉ. अंग्रेज़ों ने क्या किया, मिस्टर जाफर को हटा दिया और उसका जो दामाद था, सन इन लॉ था मिस्टर कासिम एज द गवर्नर ऑफ बंगाल, उसे बंगाल का गवर्नर मुकर्रर कर दिया. फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ बंगाल वाज ऑलरेडी पैरिलस. बंगाल की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी उसकी मतलब उसके जो माली हालात थे वो बहुत पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे. मिस्टर कासिम इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ टैक्स कलेक्टिंग पोस्ट टू इंश्योर द प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ मर्चेंडीज़. अब मिस्टर कासिम ने क्या किया कि बंगाल को चलाने के लिए टैक्स हासिल करने के लिए ज़्यादा शोबे मुकर्रर किए ताकि वो ताजरों से ज़्यादा टैक्स ले और अपने जो उसका शहर था उसको चला सके. मोरओवर ही इम्पोज सम एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंपनीज ऑफिसर्स. इसके साथ साथ उसने क्या किया कि जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उस पर ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी. विच वॉज कंसिडर्ड एंड इंसल्ट बाय द ब्रिटिश, जो कि ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ों की जानिब से लोगों को अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी. हैविंग सीरियस रिजर्वेशंस अगेंस्ट मिस्टर कासिम के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा शिकायतें थी जिसकी वजह से दे कॉल्ड मिस्टर जाफर बैक. अंग्रेज़ों ने मिस्टर जाफर को वापस बुला लिया एंड री अपॉइंटेड और उसे दोबारा मुकर्रर कर दिया हिम एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल. बंगाल का गवर्नर दोबारा से मुकर्रर कर दिया. मिस्टर कासिम फोर्ज एंड अलायंस. मिस्टर कासिम ने एक इत्तेहादी फोर्स बनाई विद शाह आलम टू.